हाँ भाई काम कर ले। एक सरप का पूरा दे भाई। पहले थोड़ा पीछे हो खड़े हो पहले तो। सौरभ एक सरप का छोटा पाउच दे दो। और भाई साहब क्या हाल है? ओ राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। राम राम। और ठीक हो? हाँ बढ़िया भाई। क्या बात है जी, बैठो जी भाई साहब। बैठ गए भाई। के बात भाई साहब, अपना पता को नहीं के हाथ मिलाने तक कोरोना फैला है। इस तो हाथ जोड़कर राम राम करे करो सबने। सही बात है भाई। और सुनाओ आज कुकर आने दुकान करनी? अरे बस यार सामान लेने वास्ते आया था। कमाल है भाई, थारी दुकान है, जद मर्जी आओ। ले भाई उस समान कटवा दे यार। अच्छा समान काटना के? अरे सौरभ है? हाँ जी। पूरा भाई ला भी सौरभ। हाँ इस पर्ची का सारा सामान काट कर पैक कर दे। ठीक है जाओ। और भाई सब चाय लोगे? ना बस चाय तो जी आपकी पीवा। थोड़ी सी ना बस थम बस सामान काटो थोड़ी सी। चलो बढ़िया जी, होने लग रहा सामान पैक होने लग रहा। अच्छा भाई साहब बुरा ना मानो तो एक बात पूछो। हाँ जी पूछो। आप तो ऑनलाइन शॉपिंग करा कर दे रहे, फिर आज यहाँ लोकल दुकान की तरफ कराने हुए? ना यार इसी कोई बात नहीं है। इसी बात तो है भाई साहब, मैं मेरी बात नहीं करता कि आप मेरे पे सामान खरीदो। आप किसी की भी दुकान पे सामान खरीदो, लेकिन लोकल दुकानदारों से ही सामान खरीदो। एक बात पता अपना भाई साहब, अपने गाँव का अपने शहर का दुकानदार अपनी हर जरूरत में काम आवे, वह ऑनलाइन कंपनी काम आंदी। अब देश में जो हालात हो रहे हैं आपने पता है नहीं, देश में कोरोना जैसी महामारी आ रही है, लेकिन एक भी ऑनलाइन कंपनी देश की सहायता में आगे नहीं आई। क्यों? लेकिन थारे जिसा ने फिर भी देश का करोड़ों रुपया उन ऑनलाइन कंपनियां दे दिया। अब देश में महामारी आ रही है, चली जाएगी, लेकिन जो दुकानदार जिन तक हम सामान खरीदने के लायक नहीं समझते, वह फिर भी थारा काम आ रहा, ये सोचने की बात है। हाँ भाई हो गया सामान पैक? हो गया जी, बस हो गया गया। ले आओ भाई। लो जी भाई साहब आपका सामान पैक हो गया। ले आओ जी। लो जी। अच्छा भाई साहब कोई गलत शब्द बोल दिया तो उसके लिए माफी चाहूंगा। भाई साहब तने गलत कुछ नहीं बोलिया, तने तो मेरी आंख खोल दी। अरे मैं भाई साहब ऑनलाइन शॉपिंग करने के बजाय लोकल दुकान पर सामान खरीदूं। अच्छा फिर ताला जी। लो जी बस बस जी धन्यवाद।